प्रणाम, मैं सत्य, आप देख रहे हैं सत्य भैरव चैनल। वेलकम टू सत्य भैरव चैनल। आज की खास खबर है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड न्यूज़ टुडे। जी हाँ दोस्तों, आज की खास खबर हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस करीना कपूर। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्रेस करीना कपूर हाल ही में अपने कुछ फोटोज उन्हें शेयर किए थे योगा करते हुए, क्योंकि वो अगले महीने अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके चलते अभी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में और एक वीडियो उन्होंने शेयर की है जिसमें वो नाचते हुए। जी हाँ दोस्तों, तरह तरह के हमारे फैंस को खुश करने के लिए वो तरह तरह के हरकतें करते रहती है, जैसे कभी एक योगा करना, कभी डांस करना। शायद वो काफ़ी खुश नज़र आती है अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए, काफ़ी बेताब है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते वो अपने फैंस को खुश करने के लिए वो इस तरह करती होगी, शायद हम यही समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वो ये है, हमारे शाहरुख खान अपनी बेटी को खुद छोड़ने आए थे एयरपोर्ट में, उनकी बेटी अमेरिका जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे उनकी बेटी जो है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक्टिंग की कोर्स कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे उनकी खुद का तो फिल्म इंडस्ट्री है रेचल एंटरटेनमेंट, जिसके चलते उसे भी उन्हें ख्याल रखना है, उसको आगे बढ़ाना है उनकी कंपनी को, जिसके चलते उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में पूरी तरह पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका जा रही है, और हमारे शाहरुख खान खुद छोड़ने आए थे अपने बेटी को अपने बेटे के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वो ये है कि हमारे उर्वशी रतुला। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी रतुला दरअसल दुनिया के 110 यानी दुनिया के टॉप 10 2021 के सेक्सीएस्ट मॉडल में उनका नंबर आता है। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी रतुला का और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें कभी हॉलीवुड फिल्म से भी उनको चांस मिला एक्टिंग करने के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने हाल ही में उनके काफ़ी मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है सोशल मीडिया हैंडल में, और फिलहाल अभी वो दुबई में थी, दुबई में चिड़ियाघर में मगरमच्छ को अपने अंदाज से अपने तरीके से मगरमच्छ को वो अपने मांस मछली खिला रही थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते उन्होंने उस वीडियोस को सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए और अपने फैंस को खुश कर दिए। अगली खास खबर है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में तेलुगु पिक्चर एक्टर महेश बाबू, जो काफ़ी फेमस एक्टर है, सुपरस्टार है तेलुगु पिक्चर के, वो अभी एक पिक्चर रिलीज़ करने वाले हैं, उस पिक्चर का नाम है मेजर। जी हाँ दोस्तों, जैसे 26/11 मुंबई ताज अटैक पे बेस्ड है, उसमें जो शहीद हुए थे हमारे एक वीर सिपाही, एक वीर मेजर जो उन्नीकृष्ण संदीप, उनके नाम पे इन्होंने पिक्चर अभी निकाला है, इस पिक्चर को रिलीज़ करने वाला इसी साल जुलाई महीने में। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे हाल ही में शादी के न्यू मैरिड कपल वरुण धवन और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उन्हें शादी किए थे। फिलहाल उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड का नाम अपने हाथ में उन्हें मेहंदी लगवाई थी। जी हाँ दोस्तों, इसके चलते उन्होंने उस हाथ में लगाए अपने मेहंदी को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किया और अपने फैंस को खुश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और कार्तिक आर्यन एक साथ आपको एक्टिंग करते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे पिक्चर का नाम है फेडरी, जैसे पिक्चर का शूटिंग शुरू होने वाला है, अब तक शुरू हुआ नहीं है, पर डिसाइड हो चुका है कि इस पिक्चर में हीरो हीरोइन के रोल कार्तिक आर्यन और कैटरीना कैफ नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में गणपत नाम का पिक्चर, जिसमें टाइगर श्रॉफ रीलोड करने वाले हैं, उनके साथ आपको दो हीरोइन प्यार करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ नजर आएंगे, एक है नूर फतेह, दूसरे नूपुर सनून। जी हाँ दोस्तों, कीर्ति सनून की बहन नूपुर सनून, ये दो हीरोइन है इस पिक्चर में, उनके साथ प्यार करते हुए नजर आएंगे। अगली खास खबर हमें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमारे अक्षय कुमार की अगली पिक्चर है बच्चन पांडे। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर में विलन के रोल करने वाले हैं अभिमन्यु सिंह, जो नेगेटिव रोल करने वाले हैं, एक विलन का रोल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो मेरे चैनल सत्य भैरव चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।